हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। एसबीआई क्लर्कल का नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। मेरे को याद आता है कि सबसे पहला एग्जामिनेशन साल भर में, अगर कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई क्लर्क हुआ करता था। पिछले एक आध साल से एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है हम मिड ऑफ द ईयर में देखते हैं, लेकिन इस बार आपको पता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे सर लोगों ने भी ये कहा है कि 21 सितंबर को एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन आज अगर डेट देखें तो 16th अगस्त है और 16th अगस्त में रात के 9 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दिन बहुत नज़दीक आ रहा है एज़ पर दी एक्सपेक्टेड डेट्स और फिर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड डेट्स बस एक्सपेक्टेड ही ना रह जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एसबीआई क्लर्क का या कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन हो आईबीपीएस का, वो जो विंडो खुलता है रजिस्ट्रेशन डेट का, राइट, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो, तो 21 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 21 दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिए, अच्छे इत्मीनान से भरिए और उसके बाद हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। तो मेरा कहना यह है जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है वो 21 सितंबर है, यानी वो पूरा 21 दिन, तो मान लो 21 दिन वो उधर का विंडो जो है वो बस आपका रजिस्ट्रेशन का है, तो आज 16th अगस्त है तो और 14 डेज बचा है। 14 डेज में हम बता रहे हैं कि वोस्ट केस सिनारियो, शायद मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, वोस्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि एग्जाम से पहले 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट हो जाए, यानी ये 14 डेज और 7 दिन आप हिसाब करिए तो 23-24 अगस्त तक अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो शायद एक्सपेक्टेड डेट पे जो एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है वो शायद सच हो जाए। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मैं जो आपको हिसाब किताब बताया हूँ, 21 दिन का पीरियड विंडो खुलना प्लस होस्ट के सिनारियो जस्ट 7 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन होना, तो वो हिसाब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगस्त 23-24 वो डेट बनता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। एनीवेज मेरा कहना ये है दोस्तों, अभी फिलहाल का जो समय है अगर प्रेजेंट सिनारियो में हम देखें, नोटिफिकेशन तो वो आएगा उसके बारे में ना मेरे को टेंशन है ना जो प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं उनको कोई टेंशन होगा, नोटिफिकेशन के बारे में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको पता है जो प्रेजेंट केस सिनारियो है, अभी हमारे पास आईबीपीएस आरआरबी पीओ है, लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों वो एक ऐसा एग्जाम है जहां पे इंग्लिश नहीं पूछा जाता है और इंग्लिश नहीं पूछा जाना यानी वी आर लगभग आउट ऑफ टच इन इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक वन मंथ। क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, आईपीएस आरआरबी पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी करेंगे। आईपीएस क्लर्क में हालांकि इंग्लिश पूछा जाएगा लेकिन अगर एग्जामिनेशन देखें तो इंग्लिश इतना वाइटल रोल प्ले करेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए कि आप जैसे ही आईपीएस आरआरबी पीओ खत्म होगा यू शुड गिव फुल अटेंशन टू दी सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ना एक रोड मैप हम बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान भटकाना नहीं है। इट इज़ आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स जो आपकी 20 और 21 तारीख को होगा, उस पर फुल कंसंट्रेशन दीजिए और एक खुशी मन के साथ दीजिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही अंत नहीं है, इसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। यू नीड टू बी दैट हैप्पी और यू टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ठीक है कोई भी एग्जामिनेशन होगा मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये जज्बा आप में होना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ अड्डा 24/7 एक बेहतरीन ऐप, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं दोस्तों, आप शायद अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाता है, उनके YouTube पे जो क्लासेस चलती है उसका नोटिफिकेशन मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन साथों साथ मुझे इसका जो बेहतरीन चीज़ लगता है वो है डेली क्विज। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि मैं डेली क्विजेस पे ज़्यादा फोकस करता था जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था। ये जो डेली क्विज आपको देख रहा है यहाँ पे दिन भर का 7 से 8 क्विज आता होगा, ज़्यादा नहीं 7-8 क्विज आता होगा, आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करो, जैसे बैंकिंग की तैयारी करो 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 के अंदर क्विज आते होंगे। बस छोटे छोटे जो क्विज होते हैं, मसलन जैसे हम स्टार्ट करें इंग्लिश का एक क्विज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो आप क्विज यहाँ से दे सकते हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्विज हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन का होगा लेकिन आपको अपने एग्जामिनेशन को देख के ही करना, जैसे नाबार्ड का अगर आपने भरा है तो डेफिनेटली आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ये क्वांट का आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए इस पर आप बिल्कुल जा सकते हैं, तो अच्छा है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। प्लस इसका जो दूसरा चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो है अड्डा 24/7 का करंट अफेयर्स। हम सबको पता है आशीष गौतम सर द वे ही इज़ कमिटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, वो तो लाजवाब है। आप दिन भर यहाँ पे बैठ के आप करंट अफेयर्स, आप कहीं पे भी हो कहीं पे भी जा रहे हो, आपको 5-10 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप बस उठाइए और पढ़ते जाइए करंट अफेयर्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स है पूरा, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मेरे को जो अच्छा लगा वो है
क्लरिकल जॉब अलर्ट्स, जो भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि SBI क्लरिकल का नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिएगा अड्डा 24/7 का, और स्टडी मटेरियल आप यहाँ से ले सकते हैं। करंट अफेयर्स है, प्रीमियम स्टडी मटेरियल है, जॉब अलर्ट है, डेली क्विजेस है, नोट्स है, आर्टिकल्स है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिख जाएगा, वीडियो कोर्सेज दिख जाएगा, ई बुक्स दिख जाएगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं। खैर, मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष पे, और आप अपना सवाल वहां पे रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेरी है। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर। लवली अपनी शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।